मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और हम लोगों का ये संख्यात्मक योग्यता यानी मैथ का क्लास चल रहा है। इस क्लास में दो चैप्टर आपके हो चुके हैं, पहला नंबर सिस्टम का, दूसरा सिंप्लीफिकेशन का, तीसरा ये क्लास है एलसीएम एससीएफ का। तो इसमें भी चार वीडियो लेक्चर हो चुके हैं, ये पाँचवा है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन पर डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो छठा वीडियो क्लास होगा उसमें आपसे 20 से 22 क्वेश्चन में जो यूपीएसआई 2017 का पेपर है उस पर डिस्कस करूँगा। यहाँ पे एक चीज़ आप बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि जो ये चैप्टर आपका है एलसीएम और एससीएफ का, इसमें से यूपीएसआई के जितने भी पेपर हैं, टोटल 27 पेपर का कलेक्शन है, हर पेपर में किसी में एक, किसी में दो, किसी में तीन, तो आप दो का एवरेज लेकर के चलिए, यानी दो सवाल तो पूछे ही जाने हैं। तो इस पे थोड़ा सा आप गंभीरता से काम करिएगा, और अगर सारे वीडियो लेक्चर आप क्रम में देख लेते हैं तो स्लिप नहीं होगा क्वेश्चन, आप इत्मीनान से इसको पढ़िएगा। इसमें देखिए ये पहला और दूसरा दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं और दो एग्जाम्पल और दिखाएंगे, यानी एक ही टाइप के ये चार सवालों पे बात करूँगा। बस इसको आप सीरियस होकर के देखिएगा और 10 मिनट 15 मिनट टाइम दीजिएगा। जब आप प्रैक्टिस में किसी चीज़ को ले पाओगे तभी एग्ज़ाम में कर पाएंगे, अदरवाइज़ एग्ज़ाम में अगर आपको रुक रुक करके और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करके कोई सवाल या झटके ले ले करके आ रहा है तो एग्ज़ाम में नहीं हो पाएगा। ये एकदम क्लियर है, एग्ज़ाम में वही सवाल हो पाता है जो एकदम फ्लुएंट आप जिसके बारे में जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे समय का बहुत अभाव होता है और प्रयोग करने के लिए टाइम नहीं होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चनों पे टाइम दीजिए और टाइम दे करके कमांड कर लीजिए, अपने आप को समझा दीजिए कि साहब अगर ये एग्ज़ाम में आ गया तो मैं इसको ऐसे करूँगा। ठीक है, तो इसके मैं चार आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहला सवाल है 13 का, न्यूनतम गुणज वह कौन सी संख्या है। गुणज का मतलब क्या होता है, मल्टीपल। तो 13 का मल्टीपल तो 26 भी है, 65 भी है, 130 भी है ना, 1300 भी है, लेकिन नहीं, एक ऐसा मल्टीपल जिसके साथ कुछ शर्तें जुड़ी हुई हैं, तो वो कौन सा है। जाहिर सी बात है इनमें से एक कोई होगा। ठीक है, वैसे तो अगर सबको डिवाइड कर करके देखेंगे तब भी देख सकते हैं, लेकिन डिवाइड करने की कंडीशन क्या है, मान लीजिए 13 का मल्टीपल तो है बट अगर इनसे शर्त को नहीं पूरी कर रहा है, तो इससे अच्छा है कि हम प्रयोग करने से अच्छा रूल को क्लियर रखें। 13 का न्यूनतम गुणज वह कौन सी संख्या है जिसको अगर 8, 12, 14, 16 और 18 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। तो ये आपके ऑप्शन दिए हैं। अच्छा, अब इसके जैसा ही ये भी सवाल है, इसको देखिए। एक माली के पास कुछ पौधे हैं, फुलस्टॉप। जब वह इन पौधों को 5, 6, 7 व 8 की पंक्ति में लगाता है तो 3 पौधे प्रत्येक दशा में बच जाते हैं, किंतु जब वह प्रत्येक पंक्ति में 9 पौधे लगाता है तो कोई भी पौधा शेष नहीं बचता है। पौधों की न्यूनतम संख्या क्या है, पौधों की न्यूनतम संख्या क्या है। तो आपके सामने ऑप्शन दिया है, इन्हीं में से एक आपका सही आंसर होगा। अब इसको करने का तरीका मैं स्टेप टू स्टेप बता रहा हूँ। 2 और 2 4, ये चारों सवाल पेपर पे लिख लीजिएगा और इत्मीनान से आप करिएगा, धीरे धीरे आपको आने लगेगा। देखिए सबसे पहला क्या काम है, नंबर एक पे जो आप काम करेंगे, मैं पॉइंट वाइज बता रहा हूँ, नंबर एक पर इनका एलसीएम लेंगे, यानी जिन्स जो पंक्ति में या जिससे भाग देने पे शेष बचता है। तो 8 है, 12 है, 14 है, 16 है और 18 है, इनका आप क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ये पहला काम नंबर एक पे होगा। मैं नंबरिंग करके आपको बताता हूँ स्टेप टू स्टेप ताकि दिक्कत ना हो। इनका एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए क्या है कि जैसे 8 है और 16 है तो 8 को हम अवॉइड कर देंगे, 8 की हमें ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे, 12, 14 और 16 और 18 जो इनका एलसीएम होगा एग्जैक्टली वही है इनका एलसीएम होगा। अब इसमें सबसे इजी वे अगर पूछा जाए कि क्या होता है एलसीएम निकालने का, तो प्रैक्टिस। अगर आप इसको 2 से काटना शुरू करेंगे या कोई भी इस तरह का काम विधि लगाएंगे तो उससे एग्ज़ाम में नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो उपयोगी है उसी पे काम करें। आप प्रैक्टिस देखिए क्या होती है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 12 है, 18 और 12 का क्या एलसीएम आप बता सकते हैं, हाँ बता सकते हैं। 18 और 12 में बड़ा क्या है, 18 बड़ा है
18 को आप डबल कर दीजिए, कितना हो गया 36। क्या 36 12 को अपने अंदर रख सकता है? निश्चित रूप से रख सकता है, यानी 12 और 18 का एलसीएम 36 हो गया। फिर से देखिए, केवल हमें 12 और 18 दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं। 18 को हमने डबल किया, बड़ी वाली को 36 हो गया, 36 में 12 इन्वॉल्व है, यानी 12 और 18 का एलसीएम 36 हो गया। अब 36 जो है इसको हम को प्राइम नंबर्स में बांट देते हैं, तो 4 और 9 यानी 9 चौक को 36 होता है। अब आप देखिए, क्या इन संख्याओं में कहीं 3×3 के लिए जगह है? भाई 9 का मतलब 3×3 होता है और 4, तो इसमें 4 है और 4 के अंदर 2 है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 7 बच जाएगा, और यहाँ पे एक क्या बच जाएगा? 4 बच जाएगा। 7 चौक कितना हो गया? 28। अगर 28×36 हम कर दें तो ये होता है 1008। यही इन संख्याओं का एलसीएम है। फिर से देखिए, कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। स्पेस ना होने की वजह से मैंने वर्बली कर दिया है। देखिए 12 और 18 है, पहले मैंने इनका एलसीएम लिया। इनका एलसीएम लेने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो, सबसे बड़ा कॉमन 6 है, 6×2 = 12, 6×3 = 18, 3×2 = 6, 6×6 = 36। इनका एलसीएम 36 आ गया। उसके बाद फिर कौन सी संख्या बच रही थी? 14 और 18। अब देखिए, 14 और 16, ये दो संख्याएं और बच रही थी। इसमें से ये 4×4 है और ये 4×9 है, ठीक है, ये 4×9 है और ये 4×4 है, तो 1×4 तो हमारे पास मौजूद है ना, एक ही की तो रिक्वायरमेंट है, 1×4 तो ऑलरेडी 36 में है, एक ही 4 हमारा बच रहा है। अच्छा, ये क्या है? ये 2×7 है, तो 2 तो 4 के अंदर आ ही जाएगा, तो 2 को तो लेंगे नहीं। अब यहाँ से डिफरेंट क्या है? यहाँ से डिफरेंट बच रहा है 7, और यहाँ से डिफरेंट बच रहा है जो 4, जो कि 36 में नहीं है। 1×4 है, 4×16 होता है, तो 1×4 तो है ही है देखिए, लेकिन दूसरा 4 यहाँ पे नहीं है, तो 1×4 उधर से और इधर से 7 36 में कहीं नहीं है, तो 7×28। अगर 28 को 36 से गुणा कर दिया जाए तो इनका एलसीएम आ जाएगा। मैं इतना टाइम लेकर के क्यों बता रहा हूँ कि ऐसा व्यक्ति सीख जाए जिसने बिल्कुल कभी नहीं पढ़ा है, इसलिए आप बहुत ही इत्मीनान से इसको एलसीएम निकालना सीखिए। तो इसका एलसीएम क्या हो गया? 1008। अब देखिए क्या करेंगे, जो एलसीएम निकला है ये जिसका गुणज है, यानी जिससे भाग देने पे शेष नहीं बचता है, उससे भाग दीजिए और देखिए रिमाइंडर क्या आता है। तो ये 13×7 = 91 हो जाएगा, और 9 बच गया, 13×7 = 91, शेष क्या बच जाएगा यहाँ पे? 7। फिर से देखिए, 13×7 = 91 हो गया, यहाँ पे 9 बच गया, 98 हो गया, 8 हो गया, फिर 13×7 = 91 हो गया, रिमाइंडर क्या बच गया? 7 बच गया। आप चाहो तो इधर भाग दे करके देख सकते हो, 13/1008, तो 13×7 = 91, इधर 9 बच गया, 8×13×7 = 91, और इधर क्या बच गया? शेष। तो हमें केवल शेष चाहिए, हमें भाजक नहीं चाहिए। अच्छा, तो दूसरा स्टेप आपका क्या था कि जो लासा आपने निकाला है ना, दूसरा स्टेप था जो लासा आपने निकाला है उससे डिवाइड करिए जिससे भाग देने पे शेष नहीं बचता है, या उसका वो मल्टीपल है, गुणज है। तो क्या बच गया? 7 शेष बच गया। अब इसको लिखेंगे 7K प्लस जो रिमाइंडर पहले बच रहा था, कितना बच रहा था? 6, और डिवाइड बाई 13, जिससे भाग देने पे कोई शेष नहीं बचता है या उसका वो गुणज है। तो ये आपने नोट कर लिया, 7K + 6/13। अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ आपको इमेजिन करनी है, ये हमारा तीसरा पॉइंट था। आप बहुत इत्मीनान से देखिएगा, पेशेंस को बनाए रखिएगा, क्योंकि अभी आपको थोड़ी देर बाद ये बहुत फ्लुएंट लगेगा। अच्छा, 7K + 6/13। अब क्या करना है यहाँ पे? आपको केवल K की ऐसी वैल्यू पता करनी है, और कहाँ से शुरू करेंगे? 1 से, 1, 2, 3, 4, इस तरह से कोई भी वैल्यू, ऐसी K की वैल्यू बताइए जिसको रखने से ये पूरी संख्या इससे विभाजित हो जाए। आपका जवाब मिला कि अगर 1 रख दें,
देखिए 7 × 1 + 6/13, तो ये 7 × 1 = 7, 6 = 13, 13 / 13 पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है। तो k की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो k की वैल्यू आपने रखी थी बस वही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चौथा काम आपको क्या करना है, जो k की वैल्यू आपने रखी थी उससे LCM को गुणा कर दीजिए। तो 1000 इसको हटा देते हैं, के बराबर 1 आपने रखा था, तो 1008 × 1 और पहले जो भी आपका रिमाइंडर बचता था 6, यानी कितना हो गया 1000, ये 14, 1014, 1014 इसका सही आंसर हो जाएगा, आपका सी आंसर सही है। यानी 13 का वो सबसे छोटा जो मल्टीपल है वो 1014 है, जिसे अगर इनसे भाग दोगे तो प्रत्येक स्थिति में रिमाइंडर 6 बचेगा। अच्छा, कठिन नहीं है, आपको अभी हो सकता है लग रहा हो कठिन, 4 स्टेप में काम करना है। सबसे पहले जिनसे भाग देने पर शेष बचता है उनका LCM ले लो, उसे उससे डिवाइड करो जिसका मल्टीपल है या जिससे भाग देने पे शेष नहीं बचता है। जो भी रिमाइंडर आए उसके आगे के और पहले वाला शेष लिख लीजिए और डिवाइड बाई जिसका मल्टीपल है। अब k की वैल्यू तलाशनी है आपको, ऐसी वैल्यू तलाशिए कि इससे विभाजित हो जाए, जो वैल्यू आपने तलाशा है उससे LCM को गुणा करके और पहले वाला शेष जोड़ दीजिए। अब देखिए ये वाला हम आपको करके दिखाते हैं तो और आसान लगेगा, आप इसको लिख लीजिएगा कॉपी पे और उसके बाद धीरे से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि किसी चीज़ पे कमांड करने के लिए समय देना होता है। ये अगला सवाल देखिए, एक माली के पास जो है कुछ पौधे हैं, जब वह इन पौधों को 5, 6, 7, 8 के रो में लगाता है तो 3 पौधे हर बार बच जाते हैं, लेकिन जब वो इन्हीं को 9 के रो में लगाता है तो कोई भी पौधा शेष नहीं बचता है। आपको बताना है कि पौधों की न्यूनतम संख्या क्या है। आप देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, LCM लेंगे, किसका, 5, 6, 7 और 8, इनका LCM लेंगे। LCM लेने की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि विधि बताने से कोई फायदा नहीं है, विधि से अगर LCM निकालेंगे तो परीक्षा छूट जाएगी। अब क्या करना है, सबसे पहले आप ये हमें बताइए कि इन दोनों का LCM क्या होगा, ये दोनों कोप्राइम संख्याएं हैं, इन दोनों को आप ध्यान से देखिए, दोनों कोप्राइम संख्याएं हैं, तो 5×6 = 30 हो गया, क्लियर है या नहीं, 5×6 = 30 हो गया, तो इनका LCM 30 हो गया, और ये भी इसके साथ कोप्राइम है तो 7×3 = 210, ये तीनों संख्याएं आपस में सहअभाज्य हैं, इनका LCM हो गया 210, क्लियर हुए या नहीं। 5, 6, 7 इसका कोई भी मल्टीपल इस पे नहीं है, इसका कोई भी इसमें नहीं है, इसका कोई इसमें भी नहीं, कोप्राइम संख्याओं का लसा उनका गुणनफल होता है, तो 5×6 = 30 और 7×3 = 210 इनका LCM हो गया। अब ये क्या है, ये है 2×2×2, अब 210 में 1, 2 तो मौजूद है, कैसे 1, 2 मौजूद है, जब 6 में 1, 2 मौजूद था, 2×3 होता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 4 बच जाएगा, 2×2×2, 1, 2 अगर 210 में मौजूद है तो आपको उससे मतलब नहीं है, जो नहीं मौजूद है उससे गुणा करो, तो किससे गुणा करेंगे, इसमें 4 से करेंगे, क्योंकि 2 तो वहाँ ऑलरेडी मौजूद है, जब 4 से इसको गुणा करेंगे तो ये 840 आ जाएगा, ये आपका आ गया इनका LCM। ऐसे आप प्रैक्टिस करिए, कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। और बाय द वे अगर आप लिख के करना चाह रहे थे तो 5, 6, 7 और 8 इनमें देखिए कॉमन क्या है, केवल 2 कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा 5, 3, 7 और 4। अब आप ये पेन घुमाइए और ये LCM हो जाएगा, कैसे, आप देखिए 5×3 = 15, 15×7 = 105, 105×2 = 210 और 210×4 = 840। आप ऐसे भी कर सकते थे और वैसे भी कर सकते हैं, हाँ बहुत ज़्यादा विधि के पीछे नहीं भागना है। अब देखिए पहला काम आपने क्या किया, LCM निकाल लिया, ये फर्स्ट वर्क हमारा हो गया। अब सेकंड वर्क में क्या करेंगे, LCM को उससे भाग देंगे जिससे पंक्ति में लगाने पे कोई भी पौधा शेष नहीं बचता है, यानी जब 9 पौधे लगाते हैं तो कुछ भी शेष नहीं रह जाता, और वहाँ पे 13 का मल्टीपल था। देखिए रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो 9×9 = 81, कितना बचा 3, 9×3 = 27, शेष क्या आएगा, शेष आएगा 3। भागफल क्या आ रहा उससे आपको मतलब नहीं है, केवल रिमाइंडर देखिए, रिमाइंडर 3 आ गया। अब तीसरा काम क्या है, इसको 3x और प्लस जो भी पहले शेष बचता था, कितने 3 पौधे शेष बच जाते थे, और डिवाइड बाई जिसका मल्टीपल है 9 का। अब ये लिख लिया, यहाँ पे आपको ढूंढना है एक ऐसी संख्या जिसको रखने से
इससे विभाजित हो जाए। तो आप बताइए यहाँ कौन सी संख्या रखेंगे। अगर आप एक रखते पिछली बार की तरह तो एक तिहाई तीन और तीन छः हो जाता, नहीं विभाजित होता। तो क्या एक्स की जगह अगर दो रख दिया जाए तो काम चल जाएगा? दो तिहाई छः और तीन नौ, नौ डिवाइड बाई नौ जीरो, बिल्कुल कट गया। अच्छा, अब एक्स की वैल्यू दो आ गई, या के एक्स जो भी अच्छा लगे बोलो, ठीक है। अब क्या करोगे, जो आया चौथा काम क्या करोगे, एलसीएम में इसको गुणा कर दोगे। एलसीएम में गुणा करके और कितना आ गया, 1680 जो शेष बचता था, कितने पौधे शेष रह जाते थे, तीन, उसको उठा के जोड़ दो, सही आंसर 1683 हो जाएगा। इसको प्रैक्टिस में लाइए, बहुत तेजी से होता है। आइए दो सवाल और दिखाते हैं, ये नेक्स्ट दो क्वेश्चन और बिल्कुल पहले जैसे हैं, आप इनको ध्यान से देखिएगा। एक कक्षा के बच्चों को जब 6, 9, 15 और 18 की कतार में खड़ा करते हैं तो प्रत्येक बार चार बच्चे छूट जाते हैं, मीन शेष रह जाते हैं, किंतु जब इन्हें 7 की कतार में खड़ा करते हैं तो कोई भी बच्चा नहीं छूटता है। आपसे पूछा जा रहा है कि न्यूनतम कक्षा में बच्चों की संख्या क्या है, जो कि विकल्प में दी है 74, 94, 364 और 184। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 6, 9, 15 और 18 का एलसीएम ले लेंगे। 6, 9, 15 और 18 इनका एलसीएम आपको लेना है। तो सबसे पहली चीज, इन दोनों संख्याओं को हम अवॉइड कर देते हैं। अब क्यों अवॉइड करेंगे, जब 18 के अंदर ये मौजूद हैं तो इनकी ज़रूरत नहीं है, यानी 15 और 18 का हम एलसीएम लेंगे। 15 और 18 में कॉमन क्या है, 3 है, 3 × 5 = 15, 3 × 18 ये देखिए, 6 × 5 = 30, 90 90 इसका एलसीएम हो गया। तो ये हमारा पहला काम क्या होता है, एलसीएम लेना। और दूसरा काम क्या होता है, जो एलसीएम लिया है उससे डिवाइड करिए, जिसमें खड़े करने पे या जिससे भाग देने पे रिमाइंडर ना बचे, यानी 7 से। तो 7 से जब यहाँ पे भाग देंगे तो 7 × 7 हो जाएगा 2, 0, 7 × 2 = 14, जो रिमाइंडर आपका बचेगा वो 6 है। अब तीसरा काम क्या है, जो रिमाइंडर बचा है वो 6k और प्लस जो पहले शेष बचता था, 4 शेष बच्चे रह जाते थे, और डिवाइड बाई जिससे वो पूरी तरह विभाजित हो जाता है या जिसमें खड़े करने पे कोई भी बच्चा नहीं छोड़ता है। अब आपका काम क्या है, के की जगह एक ऐसी संख्या ढूंढो, के की जगह एक ऐसी संख्या ढूंढो कि ये चीज़ इससे डिवाइड हो जाए। तो अगर आप एक रखोगे तो 6 × 6 = 4 = 10 हो जाएगा, नहीं डिवाइड होगा। 2 रखोगे तो 6 × 2 = 12, 4 = 16 हो जाएगा। 3 रखोगे तो 6 × 3 = 18, 4 = 22 हो जाएगा। अगर 4 रखोगे तो 4 × 6 = 24, 4 = 28 है। इसका मतलब है के की जगह अगर हम 4 रखें तो काम चल जाएगा। 4 × 6 = 24, 24 और 4 = 28, 28 7 से कट जाएगा। तो के की वैल्यू क्या मिल गई, 4। अब आपको कुछ करना नहीं है यहाँ पे, बस केवल ये रखने से इससे कट जाएगा। तो के की जगह अगर 4 होगा तो 4 × 6 = 24, 4 = 28, 28 7 से डिवाइड। अब अगला जो स्टेप आपको है, जो के की वैल्यू है, इससे एलसीएम को गुणा कर दीजिए। कितना था, 4, तो कितना हो गया, 360। और प्लस जो पहले शेष बचता था, 4 बच्चे शेष, ये उठा के जोड़ दीजिए, 364 आपका सही आंसर होगा। तो इस तरह से 4 स्टेप हैं, धीरे धीरे इन स्टेप पे कमांड कर लीजिए, फ्री फ्लुएंट हो जाएंगे, प्रैक्टिस में आ जाएंगे, आपको बिल्कुल सिंपल लगेगा। एक सवाल और देखिए, यहाँ सामने लिखा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको यदि 5, 9, 15, 27 और 45 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है, लेकिन अगर 17 से भाग दिया जाए तो कोई भी शेष नहीं बचता है। तो सेम सवाल है, इसका मतलब अगर इसकी लैंग्वेज में इसको सेट करें तो ऐसे बोल सकते हैं, वह कक्षा की न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें यदि बच्चों को 5, 9, 15, 27, 45 की कतार में खड़ा करते हैं तो 4 बच्चे छूट जाते हैं, लेकिन जब 17 की कतार में खड़ा करते हैं तो कोई भी बच्चा नहीं छूटता है। तो सवाल चारों सेम है, आपके पिछले वाले दो और ये भी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे किसका, 5, 9, 15, 27 और 45, इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो 5, 9, 15, 27, 45 का एलसीएम निकालना है। आपने एक सिरे से कम इनको तो अवॉइड ही कर देंगे, बचा क्या 27 और 45, इनका एलसीएम ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये 9 और 15 दोनों 45 में है और 5 आपका 45 में है, तो 27 और 45 का जो एलसीएम होगा वही इन सब का होगा। इनमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, सबसे बड़ा कॉमन 9 दिख रहा है, 9 × 27, 9 × 5 = 45, दोनों को प्राइम है, ये आपका एलसीएम हो गया। 5 तिहाई 15, 9 या
35 LCM आ गया। तो ये आपका पहला काम हो गया नंबर एक पे। अच्छा, नंबर दो पे क्या करते हैं, जो LCM आया है इसको किससे डिवाइड करेंगे, जिससे भाग देने पे कोई भी शेष ना बचे या जिसको कतार में खड़ा करने से कोई भी बच्चा ना छूटे। तो 17 से डिवाइड करिए। जब इसको 17 से आप डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा आपका, ये 7 बार चला जाएगा। देखिए 7 × 7 = 49 का आपका क्या हो गया, 9 हो गया, और 7 × 7 = 7, 4 = 11 हो गया। यहाँ पे आपका कितना बच जाएगा, 16। अब जो रिमाइंडर बच गया है उसको कैसे लिखना, 16K की वैल्यू पुटअप करना है, ये आपको सोचना है। 16K प्लस पहले क्या शेष बच जाता था, 4, और डिवाइड बाई क्या, 17। ये सेटअप आपने बना लिया, ठीक है। क्या है ये, जो रिमाइंडर बचा वो है के रख लिया, और प्लस जो पहले शेष 4 बचता था उसको अब डिवाइड किससे होना, इससे होना है। तो के की ऐसी कौन सी वैल्यू रख दें कि इससे कट जाए। अगर यहाँ पे आप के की वैल्यू 1 रखेंगे तो 16 × 4 = 20 होगा, कभी नहीं कटेगा। अगर के की वैल्यू 2 रखें तो देखिए क्या होता है, अगर के की वैल्यू आप 2 उठा के रख देंगे तो 16 × 2 = 32 और 4, 32 और 4 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 36 भी नहीं कटेगा। तो k की वैल्यू अगर 3 आप रखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे k की वैल्यू 3 रखते हैं तो 16 × 3 = 48 और 48 और 4 कितना हो जाएगा, 52, ये भी नहीं कटेगा। अगर k की वैल्यू आप 4 रखते हैं तो देखिए क्या होगा, k = 4, k की वैल्यू अगर 4 रखते हैं तो 16 × 64 और 4 = 68, 17 × 68, यानी k = 4 आपका प्रूफ हो गया। अब जो k = 4 प्रूफ हो गया है तो ये तो आपका तीसरा काम था। चौथा काम आपको क्या करना है कि जो k की वैल्यू आई उसको LCM में गुणा कर दीजिए। तो 135 × 4 और प्लस जो भी पहले शेष बचता था, 4 ही शेष बचता था पहले भी, तो इसको 4 से गुणा करिए। 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, 13 × 14 = 4 और 4 × 4 = 5, 540 और प्लस 4, यानी आंसर हो गया 544। 544 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसको अगर इनसे भाग दिया जाएगा तो कोई 4 शेष बचेगा, और अगर इससे भाग दिया जाएगा तो कोई भी शेष नहीं बचेगा। ये चारों सवाल एक जैसे थे और इनको इत्मीनान से देखिएगा, बस 4 स्टेप में चलना है। पहला स्टेप LCM लेना, दूसरा स्टेप आपको जो LCM है उसे उससे भाग देना जिसका वो मल्टीपल है, जो रिमाइंडर आए रिमाइंडर के लिख करके, और जो पहले शेष था वो लिख लीजिए और उससे डिवाइड करना है जिससे भाग देने पे शेष ना बचे। अब के की वैल्यू जो भी आएगी उससे LCM को गुणा करके और पहले वाला शेष उठा के जोड़ देंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा, आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन और 5 नंबर 6 नंबर आपके काफ़ी अच्छे सवाल हैं, और ऐसा क्वेश्चन एक आपका पूछा गया है UPSI में, वो मैं आपको दिखाऊंगा। एक वृत्ताकार पथ की लंबाई 20 किलोमीटर है जिसपे 3 धावक हैं जिनके नाम ABC हैं। ये क्रमशः 4 km/h, 6 km/h एंड 9 km/h की चाल से एक ही बिंदु से एक ही दिशा में एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। पूछा ये जा रहा है कितने समय बाद वे पुनः एक साथ होंगे। तो आप देखिए सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि ये एक वृत्ताकार पथ है और इस जो पथ की टोटल डिस्टेंस है, परिधि कह लीजिए, वो 20 किलोमीटर है। 20 किलोमीटर लंबा पथ है और यहाँ से तीन धावक आप इस तरह से निकाल लीजिए, A, B और C, जो कि 4 km/h, 6 km/h and 9 km/h की स्पीड से दौड़ना शुरू करते हैं ना। ये दिशा इनकी एक ही है और समय इनका एक ही है, तो अगर एक साथ इन्होंने रेस स्टार्ट की है तो किसी बिंदु पर एक साथ ये कितने समय बाद मिलेंगे। अगर ये सीधा रेखा में दौड़ रहे होते तो शायद कभी नहीं मिलते, क्योंकि जो 9 की चाल से दौड़ रहा है वो काफ़ी आगे निकल जाता है। जब ये एज ए सर्कल दौड़ रहे हैं तो कभी ना कभी तो मुलाकात होगी, तो कितने घंटे के बाद ये तीनों एक साथ हो जाएंगे। अब आप देखिए करना क्या है आपको, यहाँ पर बात की जा रही है कितने समय बाद, तो समय आपका क्या होता है, ये होता है दूरी बटे चाल। जो समय होता है ये दूरी बटे चाल के बराबर होता है, इससे सब लोग इंट्रोड्यूज हैं। अब हमारी दूरी क्या है, 20 किलोमीटर, और पहले व्यक्ति की चाल क्या है, 4, दूसरी फिर दूरी वही है, चाल क्या है, 6,
और तीसरे के लिए दूरी वही है लेकिन चाल क्या है, 9 है। दूरी बटे चाल यानी ये समय है, दूरी बटे चाल ये भी समय है, दूरी बटे चाल ये भी समय है। आपसे पूछा जा रहा है कि कितने समय बाद पुनः एक साथ होंगे, तो इनका एलसीएम ही वो समय होगा। अब इन संख्याओं का एलसीएम आपको निकालना है। ये कैसी संख्याएं हैं, ये तो भिन्न वाली संख्याएं हैं, और भिन्न वाली संख्याओं का अगर लासा निकालना हो तो ऊपर का लासा नीचे का मासा, तो ऊपर का लासा क्या हो जाएगा, ये तो 20 ही रहेगा चूँकि 20 है ही है, और HCF क्या हो जाएगा, तो ये और ये, या इसके साथ आप देख लीजिए ये और ये दोनों 4 और 9 को प्राइम है, तो कोई भी एक संख्या दो संख्याएं को प्राइम बन जाए तो HCF 1 होता है, फिर इसको हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। तो 4 और 9 को प्राइम हो गई, HCF 1 आ गया, तो 20 बटे 1 का मतलब है 20 घंटे बाद, आफ्टर 20 आवर्स वो पुनः एक साथ होंगे। इसका सही आंसर भी होगा। तो इसका आंसर देना बड़ा आसान होता है, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर करूँगा। आपको कुछ नहीं करना है, दूरी बटे चाल जैसे ही कर देंगे तो जो फ्रैक्शन बनता है उसका एलसीएम निकालना होता है, तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, अगर इसकी कोई वैल्यू आती तो इससे ये कटता, अगर वैल्यू एक है तो 20 आवर्स भी इसका सही आंसर आ गया है, 20 आवर्स होगा। अगला सवाल देखिए, उसमें हमने ऑप्शन नहीं दिया है। तीन संख्याओं का योग 108 है, जबकि उनका जो मासा है वो 9 है और लासा क्या है, 540 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये संख्याएँ क्या हैं। तीन संख्याएं कोई हैं जिनका एलसीएम क्या दिखाया गया है, 540, और आपसे पूछा जा रहा है कि एचसीएफ अगर 9 है तो बताइए ये संख्याएं क्या हैं। तो आप देखिए, पहली संख्या मैं मान लेता हूं कि 9p, दूसरी 9q और तीसरी 9r। क्यों? क्योंकि संख्याओं में मासा कॉमन होता है, तो 1, 2, 3 संख्याएं हैं, तीनों में मासा कॉमन है। अब अगर इनका हमें एलसीएम निकालना हो तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इनमें सबसे बड़ा कॉमन क्या दिख रहा है, 9 दिख रहा है। अगर 9 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, PQR। अब इनका एलसीएम क्या हो गया, 9PQR, और ये बराबर किसके है, 540 के। तो PQR बराबर क्या हो गया, 540 को 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 6 54, यानी 60 आ गया। अब PQR अगर बराबर 60 है तो इसके को प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए, कितना होता है, 3 × 4 × 5, 3 × 4 = 12, 5 = 60, ये को प्राइम बन जाएगा। देखिए 3 × 4 = 12, 5 = 60, अब मासा से गुणा कर दीजिए, तो 9 * 3 इससे करोगे, इसको इससे, इसको इससे, 9 * 3 = 27 पहली संख्या है, दूसरी 9 * 4 = 36 है, और तीसरी 9 * 5 = 45 है। यही वो तीनों संख्याएं हैं जिनका योग 108 है, मासा उनका 9 है और एलसीएम 540 है। फिर से आप देखिए, आपका मासा संख्याओं में कॉमन होता है, तो मैंने कहा 9p, 9q और 9r, ये तीन संख्याएं हैं। अब इनका एलसीएम निकालते हैं, तो 9 इसमें कॉमन हो गया, ऊपर PQR बच गया, ये PQR 9, 9PQR बराबर एलसीएम, एलसीएम 540 दिया है, तो PQR 9 से डिवाइड कर दीजिए, 60 के को प्राइम लेकर मासा से गुणा कर दीजिए, ये संख्याएं 27, 36 और 45 है। तो इस तरह से इजी वे में आप आंसर कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे, ये नेक्स्ट और दो क्वेश्चन आपके दिए हैं, 7 और 8 नंबर, और ये लास्ट आज के हैं, टोटल 8 क्वेश्चन इस पे चर्चा करूँगा। तो ये 7 नंबर आपका जो सवाल है, दो संख्याओं का योग 168 है, यदि इनके लासा एवं मासा का योग तथा अंतर क्रमशः 504 और 476 हो तो ये संख्याएं क्या हैं। यानी कोई दो नंबर्स हैं जिनका योग 168 है, और इन नंबर के जो एलसीएम और एचसीएफ हैं, यदि उन्हें जोड़ा जाता है तो 504 होता है, और घटाया जाता है आपस में तो 476 होता है, फिर ये संख्याएँ कौन सी हैं। देखिए इसका आंसर आप कैसे देंगे, यहाँ पर जो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो है एलसीएम प्लस HCF, यानी लासा मासा का जो योग है वो 504 है, और जो इनका डिफरेंस है यानी LCM माइनस जो HCF है वो आपका 476 है। अब हमने आपको बताया था कि अगर किसी भी दो मेज़रमेंट का योग दिया हो और अंतर दिया हो, तो अगर बड़ा मेज़रमेंट चाहिए तो जोड़ के आधा, और छोटा चाहिए तो घटा के आधा कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर हमें LCM निकालना है
तो इन्हें हम जोड़ करके आधा करेंगे। इन्हें जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 980 हो जाएगा, और 980 का आधा 490 हो गया, तो 490 LCM आ गया। अगर हमें HCF चाहिए, देखिए हमने क्या किया है, घटा जोड़ करके आधा किया, अब घटा के आधा करेंगे, तो इस 14 में से 6 गया कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 9 में से 7 गया 2, 28 हो गया, 28 का आधा कितना हो गया, 14 हो गया। तो जोड़ के आधा किया तो LCM निकल आया, घटा के आधा किया तो SCF निकल आया। कब करोगे, जब लासा मासा का योग तथा अंतर दिया हो, तो जोड़ के आधा करने पे LCM और घटा के आधा करने पे HCF निकल आएगा। अच्छा, जब HCF हमें 14 मिल गया तो ये उन संख्याओं के योग में कॉमन होगा, तो एक आपका ये हो गया 14x और ये हो गया 14y, ये संख्याएं हो गई, और यहाँ पे प्लस कर देते हैं और ये बराबर किसके हो जाएगा, इसके आपके 168 के हो गया। तो अगर यहाँ से हम 14 कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, x प्लस y बराबर 168, तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 168/14, तो ये हो गया x प्लस y बराबर 14 × 14, और यहाँ से 2 बच जाएगा, 14 × 2 = 28। इसके को प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 5 और 7 होंगे, और SCF से गुणा कर दीजिए तो 14 × 5 = 70 हो गया, और 14 × 7 = 98, यही दोनों संख्याएं हैं, 70 और 98। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर सही होगा, 70 और 98 ही वही संख्याएं हैं जिनका योग 168 है, और लासा मासा का जो योग है वो 504 है, अंतर 476 है। यहाँ से एक चीज़ और चेक कर सकते हैं, अगर LCM को लेकर के चलेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप LCM के सहारे से भी इसका आंसर बता सकते हैं। तो अगर LCM के सहारे से बताना चाहते हैं तो देखिए सीखना है, यहाँ पे आप सीखिए, LCM आपका एक संख्या 14x बनेगी, दूसरी 14y। ऐसा क्यों, क्योंकि मासा जो होता है वो संख्याओं में कॉमन होता है, तो इमेजिन कर लिया कि एक 14x और दूसरी 14y, तो इसमें अगर हम 14 कॉमन ले लें तो ऊपर क्या बचेगा, xy, और इनका LCM क्या हो जाएगा, 14xy, जो कि बराबर है 490 के। तो xy बराबर क्या हो जाएगा, 14 × 3 = 42 और 14 × 5 = 70 = 35, और इसके को प्राइम जो बनेंगे वो 5 और 7 बन जाएंगे, चूँकि ये गुणा है तो 5 7, और यहाँ पे योग था तब भी 5 7, 7 5 = 12 7 5 = 35, SCF से गुणा कर दीजिए, 14 × 5 = 70, 14 × 7 = 98। तो आप देखिए इस तरह से, अगर योग नहीं भी दिया रहता तब भी हम बता लेते, आप देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बनता कि दो संख्याएं कोई हैं जिनके लासा मासा का योग तथा अंतर क्रमशः ये और ये है, आप बताइए ये संख्याएं क्या हैं। तो आप इस तरह से भी आंसर दे सकते थे और इस तरह से भी दे सकते थे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लिखा है कि दो संख्याओं का योग 156 है और इनका जो लासा है वो 504 है, आपको बताना है कि ये संख्याएं क्या हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि अगर आपको सूचना नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो थोड़ा सा सवाल ये जटिल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, और ये नहीं सोच पाएंगे कि हम क्या निकालें और कहाँ से निकालें। हमने आपको स्टार्टिंग वाले वीडियो में बताया था कि HCF एक ऐसी चीज़ है कि वह जिन संख्याओं का है, पहला तो उसमें कॉमन होता ही है, उनके अंतर में कॉमन होता है, उनके योग में, उनके LCM में, उनके गुणनफल में, वर्गों के योग, घनों के योग, वर्गों के अंतर, घनों के अंतर, यानी संख्याओं का कितना भी स्वरूप बदलिए HCF उसमें कॉमन रहेगा। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि योग में भी HCF कॉमन होगा और इसमें, तो इन दोनों का जो HCF होगा वही तो संख्याओं का HCF होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि 156 और 504 का HCF ले लेते हैं, तो इनका HCF क्या हो जाएगा, डिवाइड करते हैं, भाग विधि से निकालते हैं, ये आपका 3 बार जाएगा, तिछंग 18 और 45, ये 4, तिछंग 18 के 8 हो गया, कैरी 1 × 3 = 15, 1 × 16 = 6 हो गया, और ये 4, इसको माइनस कर लेते हैं, 14 में से 8 गया, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इधर आपका 3 बच रहा है, 36 बच रहा है, 36 से 156 को फिर से डिवाइड करेंगे, ये 4 बार जाएगा, 36 × 144 हो जाएगा, और यहाँ 12 से जब 36 को डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा, 36 हो गया, कट गया, यानी HCF क्या आ गया,
12 आ गया। ये पहले दूसरे वीडियो में आप देखिए, उसमें तरीका बताया गया है। तो HCF जब 12 आ गया तो आप चाहो तो LCM से कर सकते हो और चाहो तो वहाँ से भी कर सकते हो। मैं LCM से आपको करके दिखा रहा हूँ। एक संख्या हमारी 12x है और दूसरी 12y है। एक संख्या 12x है और दूसरी 12y है। आप देखिए इसमें कॉमन क्या है, 12 कॉमन है, ऊपर क्या बचेगा XY, तो LCM क्या हो जाएगा 12XY। 12XY LCM हो गया, जो कि बराबर 504 के है। तो XY बराबर क्या हो जाएगा, इसे डिवाइड कर दीजिए 12 से, 12 चौको 48 और 12 दूनी 24, यानी ये बटेगा 6 और 7 में। अब ये 6 और 7 में जब बट गया तो एक संख्या क्या हो जाएगी 12×6=72 और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 12×7=84। तो इस तरह से आप बहुत ही इजी वे में आंसर दे सकते हैं और आप वहाँ पे भी बता सकते थे। अगर चाहें तो आप योग को लेकर के चल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप LCM को लेकर चलें। देखिए मैं योग वाला दिखाता हूँ। योग 156 है तो क्या हो जाएगा, ये 12x हो गया और प्लस 12y और ये बराबर किसके था, 156 के। तो यहाँ पे XY जब आप कॉमन बाहर ले लेंगे तो ये बराबर 12 से इसको डिवाइड करेंगे, 12×12 12×36, तो ये हो गया कितना बन जाएगा 6 और 7। तो 12×6=72 और 12×7=84 आप यहाँ से भी निकाल सकते थे। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा और सूचना बहुत ज़रूरी है। जितनी शुरू की इन्फॉर्मेशन है अगर वो मेंटेन रखेंगे तो इजी वे में कर पाएंगे। तो आज ये केवल 8 सवाल आपने देखा। अब इसका जो अगला वीडियो होगा, 6 नंबर वीडियो होगा, उसमें UPSI के पूछे गए लगभग 20-22 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं 6ठे क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।